सर, थाना सेक्टर 17 एरिया में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, क्या कार्रवाई हुई है? धर्म परिवर्तन कराए गए युवक विनोद ने थाना सेक्टर 17 में शिकायत दी कि उसका 5-6 लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया अपनी बातों में फंसा के। और जो वो कक्षा 9 में पढ़ता था तब से उसके उस संपर्क में थे। उन लोगों ने एक मस्जिद में उसे मौलवी द्वारा कलमा पढ़ा दिया गया। शिकायत से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश जारी है, जल्दी आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। तो ये युवक है, इससे बातचीत करेंगे, हर चीज़ का खुलासा करें। क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद कुमार, जो पहले था मेरा हिंदू नाम। अभी भी विनोद ही मानते हैं ना? जी अभी भी विनोद हूँ सर मैं। अब उन्होंने मेरा नाम नूर मोहम्मद रख दिया था सर। कब रखा? नूर मोहम्मद सर 2015-16 में रखा था उन्होंने मेरा नाम। अच्छा। मेरे कागज़ भी बनवाए थे जिनकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है। और कागज बनवाए थे आपको? फरीदाबाद में कहाँ रहते थे? फरीद यहीं पर जहाँ मैं रहता हूँ। एड्रेस बताइए। एड्रेस है मेरा 355 सेक्टर 17 प्रेमनगर झुग्गी बाईपास रोड खेड़ी कला। अब ये बताइए, किसने आपसे संपर्क किया धर्म परिवर्तन के लिए? मेरे से शहजाद नाम के व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन के लिए संपर्क करा, जो हमारे घर के सामने रहता था। और जी जी कब संपर्क किया इसने? मेरे संपर्क करा वही 2011-12 में, 2011-12 करीब संपर्क करा। आपका दोस्त था ये? नहीं, दोस्त नहीं था, इसने मेरे को दोस्त बना लिया था। ऐसी ऐसी मेरे से बातें करता था, मेरे को उल्टी सीधी मतलब ये शिक्षाएं देता था और खिलाता पिलाता था। उस समय नाबालिग था मैं, उस समय। अच्छा, ना समझ था। ये रहता कहाँ था शहजाद? ये शहजाद रहने वाला है बागपत मेरठ पांची खेकड़े का है ये। तो आपसे मिलता था और आपको हिंदू धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, भड़काता था मुझे कि अच्छा धर्म नहीं है ये। अच्छा। तुम लोग इसको इस्लाम को कबूल कर लो, इसमें ना तो मूर्ति को पूजते हैं ना तो किसी चीज़ को, सिर्फ खुदा को पूजते हैं। और मरने के बाद तुम जहन्नम से बच जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत मिलेगी। उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र होगी सर 16-17 के करीब होगी। 17? नाबालिग थे आप? जी, उस समय जहाँ तक है मैं नाबालिग ही था। अच्छा, तो उसने हिंदू धर्म के खिलाफ खूब पाठ पढ़ाया, भड़काया आपको। जी। उसके बाद आपने मन बना लिया मुस्लिम बनने का? जी। तो कहाँ गए आप, क्या किया गया आपके साथ, कैसे बन गए? उन्होंने बना दिया सर मेरा माइंड वॉश कर दिया, पता नहीं क्या क्या करा कि सिर्फ उन्हीं की मानता था, क्या खिलाया क्या पिलाया सर। वो शहजाद के साथ खाता पीता था ना मैं। अच्छा। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसी की बातें मैं मानने लगा था, सारी जो भी कहता था वही करता था। यानी वो आप पर खर्चा करता था, जो मर्जी खिलाता था पिलाता था और आप उसके बहकावे में। हमारे घर में कलेश होता था तो उसका ये फायदा उठा लेता था। अच्छा। और मेरे को मोहब्बत करता था, घर वालों के खिलाफ भड़काता था मुझे ये। फिर उसके बाद मैंने मानना शुरू कर दिया, उस समय ना समझ था मैं। तो उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करने लगा। फिर मकान मालिक जो अनीस है वो ये धीरे धीरे चैन बनती गई। जितने भी हमारे सेक्टर 17 के पास रहते थे ना मस्जिद के आसपास, इन लोगों ने मुझसे मिलना शुरू कर दिया, इन लोगों ने मुझे मस्जिद में बुलाना शुरू कर दिया। यहीं पर फरीदाबाद? जी, सेक्टर 17 वाली सितारा मस्जिद में। अच्छा। वहीं पर ये लोग मेरे को ये तालीम देने लगे कि ऐसा मजहब है, ऐसा मजहब है हमारा, अच्छा मजहब है, इसी को मानो और ऐसे ऐसे करो, तुम इसी में आ जाओ, हमारे जैसे ही बन जाओ तुम, जैसे हम हैं। मस्जिद में जाने से पहले क्या आपका नाम बदल दिया गया था, नूर मोहम्मद? नहीं जी। तो धर्म परिवर्तन कब हुआ आपका, कहाँ पर हुआ? सर यहीं पे हुआ था। और ये जो कागज़ तो दिल्ली में बनाए थे सर। ये जो कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसके तार काफ़ी हद तक आतंकवाद से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे आपकी कब मुलाकात हुई? उससे मुलाकात हुई थी सर 2014 में मेरी। इन लोगों ने मशवरा करके सितारा मस्जिद में मेरे को वहाँ पे मिलाने के लिए ले गए थे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से। अच्छा। तो मैं वहाँ पे मिला जाके उनसे, तो उन्होंने बोला अच्छा किया आपने गले से लगाया मुझे, क्या अच्छा किया आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया आपने, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम से बच गए। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को अपने सेंटर पर भेज दिया, वहीं शाहीनबाग में सेंटर है और शाहीनबाग में उनसे मिला था, मस्जिद में मिला था। फिर उन्होंने मेरे को सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है ग्लोबल पीस सेंटर, GPC। अच्छा। हाँ जी, इसी इसी काम के लिए वो सेंटर खोल रखा, वहाँ पे लोगों को मुसलमान करके वहाँ पे लाया जाता है और उनको खिलाया पिलाया जाता है, फिर उनको जमात में भेजा जाता है, फिर उल्टी सीधी शिक्षा दी जाती जमात है। कहाँ पर है? आप भी गए थे जमात में? जी, मेरे को भी भेजा गया था। महीने की 4 महीने की जमात में भेजा सर मेरे को। कहाँ पर गए थे जमात? मेरे को गुजरात झालोद में भेजा गया था। क्या सिखाया जाता है जमात में गए थे आप, क्या किस तरह की शिक्षा दी जाती है? मेरे को सर उन्होंने नमाज वगैरह पढ़नी सिखाई और इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बात बता देते कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा धर्म है, ना तो इसमें मूर्ति पूजते हैं, ना तो पत्थर पूजते हैं, ना तो तस्वीर पूजते हैं,
और सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं ऐसी, और गैर मुस्लिम जैसे हमारे मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि पत्थर की क्या औकात है, क्या कर सकता है, इसकी तुम पूजा करते हो, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें बताते थे। और ये कुछ भी नहीं है, इस दुनिया से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, उल्टी सीधी बातें बनाते थे जी। वहाँ कितने लोग रहते थे? भारत के विरोध में भी आप बढ़ गए कभी? देश के विरोध में, देश के खिलाफ कुछ इस तरह से कुछ? जी देश के विरोध में भी भड़काया जी, उन्होंने ऐसे ऐसे बोलते थे कि तुम हमारे साथ में रहो, तुम्हें तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, ऐसे वैसे तुम हर तरह से पावरफुल हो जाओगे, तुम्हें घर दिलवाएंगे, मकान दिलवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। बाहर ले जाने की बात भी की? जी बाहर ले जाने की बात वहीं सेंटर पे करी थी मौलाना दिलशाद ने, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे, गनवन कैसे चलाते हैं ये सब। और इन्होंने मेरे को पहले धमकाया भी था कि अगर किसी को बताया, घर में बताया, किसी को भी तुमने बताया, तुम्हें भी मार देंगे हम, तुम्हारे घर वालों को भी खत्म करवा देंगे, तुम तो जानते हो फिर हमको, हम कैसे लोग होते हैं। तो आप घर में डरते नहीं मरने? उस दौरान सर वहाँ पे जब ये चीज की शिक्षा देने लगे मुझे वहाँ पे शाहीनबाग दिल्ली में, तो मैं डरता था वहाँ से, जैसे तैसे चकमा दे के निकल गया मैं वहाँ से। अच्छा, फिर कहाँ आए आप? फिर मैं यही फरीदाबाद में आया, इधर उधर छुप छुपा के रह रहा था घर में, कभी एक दिन के लिए आया, दो जान दिन का खतरा था उनसे जी, डर लगता आप था। आप सोचते थे मैं यहाँ से भाग गया हूँ, छुप के रहूंगा वरना मुझे मार देंगे? जी इसीलिए मैं छुप के रहता था। छुप के रहते थे आप? तो आप क्या एक्शन लिया है आपने? सर मैंने एक्शन ये लिया है कि मुझे ना जैसे मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद करी, अब इनके साथ में एक्शन करे, पुलिस अच्छा। एक्शन करे। कहाँ पर शिकायत दी है फरीदाबाद में? सेक्टर 17 की चौकी में सर FIR करवाई है, फिर मेरा कोर्ट में बयान भी हुआ है। अच्छा, जज के सामने बयान भी किया मैंने इस चीज़ को, सारी चीज़ें बता दी है मैंने वहाँ पे। अच्छा, इन्होंने बताया बस जी, हथियार अभी तक देखे नहीं थे मैंने वहाँ पे, मेरे को बस भेजने ही वाले थे ये लोग, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं बच गया, ऊपर वाले ने बचा लिया मुझे, बस जैसे तैसे मैं वहाँ से निकल के आ गया, डर चकमा दे के निकल के आया, क्योंकि मुझे अपनी और अपने माँ बाप की जान का डर लग रहा था। अच्छा, ये टैटू किस चीज़ का है, दिखाइए थोड़ा सा। ये सर यहाँ पर कुछ लिखा था आपने? जी यहाँ पे बजरंग बली बनवा रखा था सर मैंने पहले शुरुआत में जी, जब हिंदू तो है ही आप जी, हिंदू था जब उसी टाइम बनवा रखा था मैंने। आपने जय बजरंग बली लिखवा रखा था, मिट कैसे गया? जी सर उन्होंने मिटवाया, ये मिटवा, तस्वीर को मिटा दो, ये कुछ नहीं होता है, ये अच्छा, कुछ भी नहीं है अच्छा, इससे कुछ नहीं होता। और इन्होंने ये NK लिखवा दिया मेरा, पहले विनोद कुमार, क्या मतलब है? नूर खान, नूर पहले खान, वी बन रहा था, इसको एन करवा दिया, NK लिखवा दिया नूर खान। और यहाँ पे पहले ओम बन रहा था, इसको इन्होंने मिटवा दिया, गोल करवा दिया, ओम को भी मिटवा दिया, ओम मिटवा दिया गया, जय बजरंगबली मिटवा दिया गया, और NK लिखवा दिया गया नूर खान। तो क्या इसको आप नूर खान ही रहने देंगे? नहीं सर, इसको मैं मिटवाऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी, मिलना था आपको, सारी सच्चाई बतानी थी। अच्छा, इसीलिए मैंने नहीं मिटवाया है, मैं कहा ये चीज़ मेरे लिए काम आएगी। अच्छा, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, आपने सुना होगा यूपी में, हरियाणा में, फरीदाबाद में। क्या मैसेज देंगे युवाओं को, जो हिंदू युवा हैं, लोग जो बहकावे में आ जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ इन मुसलमानों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, कोई भी हो, चाहे हिंदू हमारे जितने भी भाई हैं, इन मुसलमानों को बहकावे में ना आए कभी भी, चाहे कितना भी कुछ भी बोलें, कितना भी तुम्हें कुछ भी कहें, मैं किसी भी चीज़ का लालच देवे, इनसे इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये लोग ना धीरे धीरे आपको तो मरवाई देंगे, अपने देश में रह के भी आपको मरवा देंगे, और बाहर तो आपको भेज के मर ही जाओगे वैसे भी। आप आत्मा को मरवा देते हैं जी, खुद सोच समझ नहीं सकते आप, उनके कहने पर चलना होता है। मेरा मैसेज ये है, आपने क्या महसूस किया जब आप हिंदू थे मुस्लिम बने, उसके बाद आपने अनुभव क्या किया? अनुभव कि मस्जिद में जाते थे क्या सर? मेरे माँ बाप इनकी वजह से परेशान हुए, मेरे माँ बाप रो रहे हैं, इन्होंने कोई फिक्र नहीं करी मेरी, सिर्फ इन लोगों ने उल्टी शिक्षा दी, अगर ये लोग अच्छे होते तो आज मेरी फैमिली ना रो रही होती। विनोद, कुछ मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना भी ये लोग देते हैं? जी मारने वारने की धमकी देते थे मेरे को बहुत ज्यादा। मारा भी, पीटा भी आपको? मेरे को मारा था सर, ये निशान है, उन लोगों ने मारा था, दिलशाद ने मारा था जी। दिलशाद कहाँ रहता है? ये वहीं पे मौलाना। अच्छा, कितने लोगों को आप जानते हैं, नाम जानते हैं, जिन्होंने आपको फोर्स किया, मजबूर किया धर्म परिवर्तन के लिए? एक तो शहजाद है और एक अली मोहम्मद है। एक कहाँ रहता है अली मोहम्मद? ये 17 में ही रहते हैं, जहाँ अच्छा। हम रहते हैं ना वहीं पे। हाँ। एक शहजाद खान है, एक अली मोहम्मद है और एक अशफाक सिद्दीकी है, रईस खान है, सब वहीं के हैं ये, प्रेमनगर प्रेमनगर झुकी। हाँ,
मौलाना सिद्दीकी का काम यही है, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करना, लोगों को मतलब इस्लाम की तरफ खींचना, उनका काम यह है। अच्छा, और खुलेआम दावत देते हैं। और इनको पैसे वैसे कहां से आते हैं, कुछ पता? बाहर से आते हैं सर, सऊदी से लोग चंदा वगैरह करते हैं इनको। गैर मुस्लिमों का जैसे कोई कन्वर्ट हुआ है, इस्लाम धर्म को कबूल किया है, तो ये लोग उसके नाम पे चंदा लेते हैं बाहर से। अच्छा। मोटा मोटा चंदा लेते हैं। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते होंगे हर साल ये सर? ये लोग हिंदुओं का काफी लोगों का सर करवा देते हैं, अंदाजा नहीं है मुझे, बहुत सारे लोग। और वहाँ जो और लोग थे जो हिंदू से मुस्लिम बने थे, आपसे कभी बात हुई होगी उनकी? क्या बातें होती थी, आप लोग क्या बात करते थे? यही बातें होती थी इस्लाम धर्म के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में, मजहब के बारे में उल्टी सीधी बात करते थे और इस्लाम धर्म को अच्छा बताते थे। अभी क्या आपको अभी भी जान का खतरा लग रहा है सर? लग रहा है, क्योंकि मैं सर अब उनके नाम बता दिए, सारी चीजें बता दी और जो सच्चाई थी। मेरी मांग ये है कि मेरी फैमिली सेफ रहे और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई ना कोई रहे जो हमारे हमारी निगरानी करे, क्योंकि हमें भी जान का खतरा है सर, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं सर, कब क्या कर बैठे हैं। और यहाँ आपकी मदद कौन कर रहा है, जो संगठन है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका हौसला बढ़ा? मेरी मदद ये अनुज भाई कर रहे हैं, सुशील भाई कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से और हौसला बढ़ा। बिल्कुल, हिंदू संगठन के लोग इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए और परेशान मत होइए, ठीक है जी? फरीदाबाद का मीडिया भी आपके साथ है। तो आपने देखा, ये विनोद कुमार हैं जिनको मजबूर करके नूर खान कर दिया गया, टैटू भी करवा दिया गया, नाम लिखवा दिया गया, जबकि इसने जय बजरंग बली लिखवा रखा था, ओम लिखवा रखा था, वो सब मिटवा दिया गया। तो इसको जबरन फोर्स करके, मजबूर करके, ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन इसका कराया गया और इसने सभी का नाम बता दिया है। अब देखते हैं इस मामले में फरीदाबाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, और हमारे साथ हैं सूरज भड़ाना। नमस्कार, जय।